दुनिया में आज पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज जिला मोगा की ऐतिहासिक धरती श्री तख्तूपुरा में भी इस दिन को बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं आज पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही इस गांव को विकास की ग्रांट को लेकर विकास के काम शुरू करवाने के लिए प्रशासन की ओर से डिप्टी कमिश्नर संदीप संघ हंस श्री तख्तूपुरा पहुंचे और विकास के जो काम होने हैं उनको तजा लिया और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मेम्बरों से बातचीत की। जाकर योग है कि पंजाब सरकार ने पंजाब में उन गुरुद्वारों में जाकर श्री गुरु नानक देव जी के चरण छू कर कहा, वहां पर विकास करवाने के लिए फंड देने की बात कही। पहला तो मैं मोगा जिले के निवासियों गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म वरेगंढ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना हूँ। अज तख्तूपुरा नगर आए हैं तो अज एक शुरुआत है जिहड़ी कि पंजाब सरकार ने इस 550वें वरेगंढ के अवसर पर इन्हां जिथे जिथे गुरु नानक देव जी के चरण छोह प्राप्त पिंड से और जिथे जिथे नगर पंचायत सगिया उन्होंने विकास के काम अज सुल्तानपुर लोधी साहब विखे लॉन्च किए जा रहे हैं। उत्थे ही असी अपने पद्धर से जिला पद्धर से इतने तख्तूपुरा आके गुरु महाराज अगर मत्था टेकया है, अरदास की है कि अगे जोड़े असी विकास के काम जो जिन्हों का असी बीड़ा चुकया है वो सही ढंग ना हो, वधिया ढंग ना हो, लोगों को महसूस हो कि हाँ विकास हो रहा है और लोगों को इस तरह से राहत मिले और जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है लोगों दी दूर हो। प्रॉब्लम जे मैं गल करा तो अपने वातावरण नाल और साफ सफाई नाल रिलेटेड है। पिंडां विच कई बार देखण विच आउंदा है कि पानी की निकास की प्रॉब्लम है, गलियां नालियां च पानी जिहड़ा हैगा घरां दा जिहड़ा वेस्ट वाटर है उहदे नाल बीमारियां भी फैलदियां। सो गुरु नानक देव जी की जिहड़ी बाणी है उहनू और उहनां दी सेध लै के ही असीं जिहड़ा हुण बीड़ा चुक्किआ। बाबा जी अज ते दिन बारे पहला तां जानकारी दिओ जी, समागम जिहड़ा हो रिहा इत्थे तख्तूपुरा साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह सुनण वाले संगत नूं भाई धन्नवाद तुहाडा जिहड़े तुसीं इत्थे तक चल के आए हो। श्री गुरु नानक देव पातशाह का 559वां अवतार पुरब है, अज एक दो एक साल बाद उन्हां दा शताब्दी समागम आऊगा 550 साल। उहदे वास्ते सारा सिख समाज संसार तौर पर सारे वर्ल्ड जी अज के दिन की तैयारियां करन च लग्या होया। असीं चंगे भाग मानदे आं आपदे, साडे कोले मौके दे डीसी साहब ने मोगे तो वह आके शुरुआत करवा गए, प्लांटेशन की उन्होंने बूटे ला के शुरुआत करके गए, वातावरण वधिया बनाउण दा संदेश दे गए। सानूं बड़ी खुशी है तो सब नूं वधाई है गुरु नानक देव जी के अवतार पुरब की। लख वार कहीए कि करोड़ वार की कहीए जो बाबा नानक दे के गया नित वधाइयां योग। बाबा जी गल की जाए तो इस तख्तूपुरा गुरुद्वारे की इतिहासिक गुरुद्वारे की हिस्टरी की है? इतने पातशाही पहले जी चौथी उदासी वेले दस दिन भी आए हैं जेडे भी मतलब ग्रंथा के हवाले मिलते हैं जां कह लो जिथे भी सानू प्रमाण मिले पंजाबी यूनीवर्सिटी तो पंजाब यूनीवर्सिटी तो चौथी उदासी वेले वह इतने आए हैं सुल्तानपुर लोधी तो छेवें पातशाह डोली की भाई तो इतने आके उन्होंने आपका प्रचार किया है। दसवें पातशाह लम्मे जटपुर तो आए हैं। तिना का मकसद एक ही रहा है सिख धर्म का प्रचार करना। होर विस्तार में सानू जानकारी दो गुरु ग्रंथ गुरु नानक देव जी बारे छेवीं पातशाही के दसवीं बारे किन्ना किन्ना चिर इतने रहे हैं जी की उन्होंने तकरीबन 1.25 महीना बाबे नानक बारे दसते हैं जी ये रहे हैं। इतने सिद्ध बहिंदे होंगे सी पहला सिद्धां की मंडली होंगी सी पुरानी झिड़ी अज भी हैगी पुरातन जिथे ज्यादा दरख्त लगे से उन्होंने बह के इन्हों की कोई विचार गोष्ठी आ जिन्हों आप बहस कह लें उदो विचार गोष्ठी से सियाने बंदे बैठते कट्ठे होकर 20 सालों बाद इतने डीसी लगती सी भी चार छपेरे के कोई नागे साधु कह लो या कोई होर जिन्हें भी कोई महापुरश कहाँदे सारे संप्रदावान के वो इतने इकट्ठे होंगे से वो बीसी च सवाल जवाब च महाराज भी पहुंचे, गुरु नानक देव पातशाह भी पहुंचे, नाल मरदाना जी भी पहुंचे। उन्होंने आके इतने आपकी वार्तालाप की उहदे विच भाई जक्को पिंड का वसनीक बैठा से तख्तूपुरा साहब का उन्होंने कोई गल उन्होंने कट्टी क्योंकि भरथरी राजे बारे एक गल प्रचलित है भी वह राज छड के वैरागी हो गया से। चलो वैसे विद्वान बंदे कहिंदे आ भी भरथरी तीन ना होए ने बाणी च भरथर भरथर हरी ते भरथरी जोगी। आपां भरथरी जोगी की गल करदे आ कि उह जोगी क्यों होए राजिआं तों जोगी होना कोई सौखी गल नहीं। उह कहिंदे कारण इह बणिआ उन्होंने इत्थे कहा गया सिद्धां वल्लों भी भाई इसी तरह
फ्यूचर पढ़ता तेरा मस्तक असी पढ़ता भी तेरा राजकुमारी नाल संजोग है जूनागढ़ दी ना तू उत्थे इक घड़ी च पहुंचना है जे तेरे कोल कोई रिद्धि सिद्धि तेरे गुरु की दित्ती है वरत ते उत्थे पहुंच बाबा नानक विच बैठा सुनी जांदा सी गल वो कहते भी नहीं साढ़े तां असमर्थ आ गल इन्ने इन्ने चिर च नहीं जा सकदा बाबे नानक नूं कहा गया भी तू भाई साहब नाल विचार गोष्ठी करना है तू साधु महात्मा कहाउणा है वो कहते कोई नहीं जी सुरत धुन चेला है ये अखां बंद करके सुरत टकावे राजकुमारी जूनागढ़ दी ना ये पहुंच जाऊगा उत्थे वो फिर जी पहुंचे ने कहते उदू बाद राजे भारती नूं भी यही संदेश सी उन्होंने कहा भी मैं तुहानूं अज तुहाडा गुरु मनना बाबे नानक नूं कहा उन्होंने कहा फिर जे मैनूं गुरु मनना तां भाई तुहानूं मेरा सिखियावां दा प्रचार इत्थे बह के करना चाहिए उदू बाद बाबे नानक दा इतिहास जिन्ना कु मैनूं पता बाबा जी पंजाब सरकार वालों कुछ गुरुद्वारे चुने गए है जी जिथे बाबा जी की चरण छो प्राप्ति उन्होंने तख्तूपुरा साहब भी चुने गया जी इतों की समस्यावां जिहड़ियां जिहड़ियां तुसीं पंजाब सरकार नूं दसियां और की इत्थे होना चाहिए जगह दे थ्रू या पिंड दे थ्रू करना उन्होंने पूरा तख्तूपुरा साहब नूं ही तख्तूपुरा साहब नूं जे आपां जगह दी भी करिए इत्थे सलाह है नहीं साडे कोले रहण वास्ते रहायशी क्वार्टर है नहीं सब तो पहली मंग असीं रखी आ 100 कमरा सानूं इत्थे बना के दो सलाह नुमा कोई आके उत्थे रह सके कोई दुकानदार आ कोई व्यापारी दूरों आउंदा साडे नेड़े शहर पैंदे ने काफ़ी उत्थे आउण नूं कवेला हुंदा उहनां नाल फैमिलियां हुंदियां उह साडे कोल आ के रह सकन 50-60 बैड दा मैनूं तो सरकारी हस्पताल मंगिया साडे गरीब गुरबे वास्ते हस्पताल नेड़े है नहीं गा कोई गुरमत विद्यालय मंगिया पिंड दे सीवरेज की बहुत वड्डी समस्या है वह असीं सांझी कीती इहनां नाल वी उह पा के तुसीं पिंड नूं क्लीयर करो जो भी पिंड तौर ते हो सकदा जिथों तक संभव हो सकता जिन्नी एक पिंड नूं सही पिंड नूं माडल ग्राम नूं चाहीदी आ सहूलत बाबा जी गल करिए सेवावां दी ते गुरुद्वारा साहब वालों कड़ी सेवावां तुसीं इस टाइम दे रहे हो कोशिश करी दी है जी भी साडा तां इह थीम आ भी लंगर ही प्रचार ते लंगर बन के इत्थों तकरीबन पिछले 4-5 साल तो नेड़े नेड़े हॉस्पिटलों च पहुंच रहा जिथे लोड़ आ लोड़वंदां तक वड्डी सेवा असीं इसे नूं समर्पित आ सारे इहदा महत्व की है इत्थे दा की हिस्ट्री है सर जिद्दां कि मेरी नॉलेज है कि मेरे हिसाब के नाल मैनूं तां लगदा वी गुरु नानक देव जी दे इत्थे कोई चरण पे तां लोकां ने इत्थे मींस कि गुरुद्वारा साहिब स्थापित कीता ते उस दे अकॉर्डिंग इत्थों दे लोक इत्थे मत्था टेकदे ने क्योंकि ओह समझदे ने कि गुरु नानक देव जी उन्हां दी हर इक मन्नत पूरी करदे ने जो भी इत्थे आउंदे ने उन्हां दी हर इक इच्छा पूरी हुंदी है अते असीं अपनी इच्छा दी पूर्ति दे लई इत्थे मत्था टेकणा इत्थे गुरु नानक देव जी ने जन्म पाए सी मतलब 16 महीना रहे सी गुरु नानक देव जी इत्थे ते भरतरी राजे नूं इत्थों तारिया सी भरतरी राजे दा इत्थे मतलब तपस्या करदे सी।